गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हम लोग उठ चुके हैं, बहुत लेट हो गया आज। एक्चुअली कल हम लोग रात को बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए थे सोने में। और आप लोग को कैसा लगा हमारा स्टोरी, हाउ आई मेट माय वाइफ वाला, बताओ यार कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा, आगे भी हम बनाएं ऐसे वीडियोस, आगे हमारी शादी और एंगेजमेंट के बारे में भी अगर आप जानना चाहते हो तो बता दो। और अगर चैनल पर नए हो तो पहले प्लीज़ वो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और उसके बाद जरूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। मैं आपको आज अपने ठाकुर जी के दर्शन कराती हूँ। सुबह सुबह मस्ती में ये बैठे हुए हैं और फाइनली हमारा घर भी सेट हो गया, मतलब हमने पूरा घर सेट कर दिया। अभी डाइनिंग टेबल पूरी वापस से ठीक हो गई है, हमने खाना भी यहीं पे खाना चालू कर दिया अभी फॉर चेंज, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही थी यार। और ये मेरा किचन जो आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो, तो धीरे धीरे सब पटरी पे आ रहा है, अभी सब ठीक हो रहा है। और ये तो हमारा स्टोर रूम ही बन गया एक्चुअली, क्योंकि कुछ कार्टून्स खोले नहीं है ना, तो हमने साइड में पैक करे हुए कार्टून्स रख दिए हैं। और देखिए कि तैयार होने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं, कपड़े वपड़े यहाँ रख देते हैं। और ये देखो ये मेरा हीरो, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ एडिट हो जाएगा। नहीं ये एडिट नहीं होगा। हाँ तो ये मैं गलत क्या बोला, मैंने गलत बोला हीरो नहीं तो क्या बोलना चाहिए था, बोलो क्या बोल। नॉर्मली आके बोल सकती है ये देखो ये मेरा हीरो। गाना गाने की जरूरत है, तुम्हें गाने के सुर नहीं आते और तुम्हें लिरिक्स नहीं आते, तो तुम गा के सुना दो। तुम्हारे को तो बहुत अच्छे गाना आते ना, सुना दो अपने जरा, ताल सूर लगा दो तेरा। जग घूमया थार जैसा ना कोई, एडिट हो जाएगा, इन्हें आएगा, ये आएगा आएगा, प्लीज प्लीज आएगा, प्लीज आएगा, वो प्लीज आएगा, हां प्लीज। अब देखो मैं आपको दिखाती हूँ, हम सुबह उठ के अब पीते हैं हनी और लेमन वाटर, अमन को देती हूँ मैं, और मैं पीती हूँ हनी वाटर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वर्क स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है हम लोगों पे, बहुत डार्क है, डलनेस हो रही है, तो हनी तो एक्चुअली वैसे ही बहुत अच्छा होता है। तो हम जो हनी यूज़ करते हैं वो प्योर हनी है, हम पतंजलि या डाबर का नहीं लेते, ये प्योर हनी है जो निकलवाया था हमने वहाँ से, हम लेके आए थे, और उसको हम गर्म पानी में रोज़ सुबह पीते हैं। तो दोनों रोज़ एक 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 कप अपना ये पी लेते हैं। और साथ में अब मैंने नया चालू किया है कि दो स्पून मैं खुद हनी खाती हूँ और दो स्पून इनको भी खिला देती हूँ ज़बरदस्ती। हाँ लिटरली, जैसे आपको पता है ना छोटे बच्चों को, मुझे याद है मेरा जो नेफी है ना अंश, जब उसको दवाई खिलानी होती थी ना ऐसे पकड़ के हाथ उसके पकड़ने पड़ते थे और सब करना पड़ता था, दवाई नहीं खाता था वो, तो ऐसे अंश का अमन का हाल है, इसको हनी भी खिलाने के लिए मुझे ऐसे करना पड़ता है, मतलब लिटरली बच्चा ही है भाई। ये रेडी हो गई है, As usual इंटर तो दे दिया होगा इसने, चलो बैठ गया। ये अभी इस टाइम ना किचन में है। लास्ट ब्लॉग में अगर आप लोगों को याद हो तो मैं एक शर्त हारा था छोटी सी, जिसमें शर्त ये लगी थी कि मेरे को ब्लॉगिंग करने से डर लगता है कि नहीं लगता, तो उसका कोई प्रूफ है या नहीं है किसी भी ब्लॉग में अगर मैंने ऐसा बोला हूँ, एंड फिलहाल वो साबित हो गया। आई थिंक लास्ट ब्लॉग में वो आपने देखा होगा, एंड शर्त तो मैं बहुत गंदी आ रहा था यार, देखा है ना पिछले, तो पिछला ब्लॉग नहीं आ रहा रिमाइंड, तो ये देखो ये है फ्लैशबैक। जब जो अल्फा वन वाला ब्लॉग था, मेरे को उसमें दिखा दियो अगर मैंने बोला हो तो। ठीक है चलो, कितने की? अगर मैं हार गया तुम खिलाओगी शाही पनीर, और अगर मैं जीत गया तो मैं खाऊंगा शाही पनीर। मतलब चित भी अपनी है, पट भी अपनी है। चैलेंज एक्सेप्टेड है ये, सुन चैलेंज एक्सेप्टेड है, अगर मैं हार गया 10 पुशअप करूंगा। देख लिया, बहुत बेइज्जती हुई यार, बट अभी इसको याद नहीं है मेरी मेरी पनिशमेंट बाकी है, इसको भी वो चीज नहीं याद है। तो चलो चलते हैं आज किचन में, जरा देख के आए
क्या माहौल है और क्या बन रहा है। क्या बना रही है आज तू? और रोते रही है। ये क्या गोभी? हाँ। गोभी का क्या बना रही है आज तू? नया कुछ अतरंगी? गोभी और प्याज के पराठे। वाह, गोभी और प्याज के पराठे। आलू के बना दिए तेरे को? आलू के बड़े पसंद है। आलू के पराठे बना, मेरा फेवरेट पराठा। आलू के भी बना दूंगी एक किलो। बॉईल करके रख दूं कि पहले ठंडे होने, सो मैं कर लूं। ऐसे तो बिल्कुल ही वीडियो पे आप इसने बोला है कि बन जाए। आज डेट नोट कर लो, कौन सी डेट है? कौन सी डेट है आपको खुद याद है? 22 है आज। अच्छा, 22 दिसंबर 2020। 20 दिसंबर 2020 पे इसने ये ऐलान किया है कि मैं आलू के पराठे बनाऊंगी। अब देखना कितने सालों बाद बनेंगे। सबसे बड़ी कश्मकश की बात अभी ये है, ये गोभी प्याज का मिक्सचर रेडी है, आटा रेडी है, चकला रेडी है, तवा रेडी है, गैस गरम हो गई, गरम हो गया तवा भी। बेलन गायब है, बेलन ही गायब है, पूरा किचन चांद गया और मिल गया, फाइनली बेलन मिल गया। तो मैं अभी कैमरा लेके आया हूँ तो बहुत देर से ढूंढ रहा था बेलन, इन बर्तनों में ढूंढा नहीं मिला, यहाँ सारी दराजों में देख लिया नहीं मिला, फाइनली वो कोने वाली ड्रॉअर में मिला एक बेलन। मतलब बेलन से पिटाई हो जाएगी तुम्हारी, किसी पता है? पिट्टू हो जाएगी, पिट्टू पिट्टू क्या होगी? अभी आपको बताऊंगी। क्या बताएगी? बोल बच्चन वाले बहुत देखे हैं मैंने। काम कर ले यार। तो अभी कैमरा रख देता हूँ थोड़ी देर नीचे, क्योंकि अपनी बीवी की हेल्प कर देते हैं पराठे बनाने में। आफ्टर ऑल पराठे बन रहे हैं यार, खाओगे? नहीं दूंगा। और ये पहली बार जिंदगी में केटली यूज हो रही है। हाँ। आई ये आज मेरा बहुत मन था कि आज मैं इसमें चाय छानूं। इसमें ये हम गए थे, याद है मुझे? याद है जब हम गए थे ना दादाज के पास। इसमें आपका नाम भी लिखा है ना? इसमें मेरा नाम लिखा था, मनराज गुजराती। मनराज पीछे। अरे हाँ, मेरा नाम भी लिखा ये रखा। हाँ, हाँ। चलो अमनराज। ओके, वेट वेट वेट, नीचे ये नीचे आराम से। अच्छा, इसमें डायरेक्ट छाने की जे बात। चाय 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 स्टेशन और ट्रेन वाली चाय। अच्छा, वो चाय वालों के भी अलग अलग मूड्स चलते हैं। मतलब जब वो रात को सो रहे होते हैं तो सोते सोते नींदों में जब आते हैं चाय चाय चाय। हाँ, जब सो रहे होते नहीं। अच्छा, मॉर्निंग में जब होते हैं बहुत एक्टिव होते हैं। चाय चाय। एक काम करना, छोड़ना ब्लॉगिंग, छोड़ तू ये काम शुरू कर दे। शट अप, ये सब एडिट हो जाएगा। कप में अभी डाइनिंग टेबल पे चलो। हाँ, कप में डाल के दिखाओ उसको, वहीं पे परोसेंगे ना। चल ठीक है, चल डालो 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 चाय की केतली से चाय। चाय 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 पीती हुई है ना, तो गंदी लगती है मेरे को चाय। मेरे लिए कॉफी नहीं बना सकती जब मैं बोलता हूँ कॉफी बना दे। रोज कॉफी बना के दे दो। आज मैंने चाय बनाई, आप बोल देते मैं आपके लिए भी कॉफी बना दूँ। सब एडिट हो जाएगा, मैंने कभी मना नहीं किया। एडिट हो जाएगा। पराठे कैसे हैं? पराठे जबरदस्त हैं, जबरदस्त पराठे यार, मजा आ गया। बहुत अच्छा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मेरी मेहनत सफल हो गई। सो गाइज, नाश्ता हमारा हो गया सुबह का, और नाश्ते के बाद एक्चुअली थोड़ा सा काम था हम दोनों को, तो नम्रता अपना अलग गई थी, मैं अपना अलग गया था। एंड बाय दैट टाइम आई थॉट कि चल लेट सरप्राइज नम्रता, वो अपना अलग काम से निकली थी, तो मैं अपना अलग निकल गया, अपने हेयर कट करा के आ गया, शेव करा के आ गया। एंड वो आ गई है, मैंने उसको देख लिया था एक्चुअली आते हुए। तो आई जस्ट वॉन्ट टू सी हर रिएक्शन कि ये मेरे पीठ पीछे तुमने किया क्या है। तो लेट्स ओपन द डोर। आ रहा हूँ। अरे अपने वाले बार्बर भी गया था मैं, तो उसने कहा कि बाल आपने कहीं से कटवाए थे, और क्योंकि बहुत ही बेकार काटे थे। बकवास कम करो। मैंने बोला मेरी बीवी ने काटे,
तो फिर उसने बोला होगा फिर तो अच्छे ही नहीं, फिर तो कहा फिर तो वाहियात काटे हैं उसने यार आपके बाल, मतलब एकदम ही खराब काटे हैं यहाँ से साइड से। तो अभी मैं नहा धो के भी रेडी हो गया हूँ। बिकॉज टुमारो वी हैव टू गो, बट हम लोग कहाँ जा रहे हैं हम लोग आपको अभी नहीं बताएंगे। एग्जैक्टली हम लोग अभी आपको नहीं बताएंगे हम लोग कहाँ जाएंगे, बट लेट इट बी अ सरप्राइज। एंड यस, जब सुबह जर्नी स्टार्ट होगी ना हमारी तब बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। टिल देन लेट इट बी अ सरप्राइज। अरे एक सेकंड, सरप्राइज से मुझे एक चीज याद आई। हाँ, आप कुछ भूल रहे हो। क्या भूल रहा हूँ? आपको सच में याद नहीं है? नहीं, या फिर याद है या नौटंकी कर रहे हो आप मेरे सामने? अरे मेरे को याद नहीं है सच्ची में, क्या मतलब समझा नहीं मैं। आप कोई शर्त हार रहे थे मुझे? मैं कोई शर्त नहीं हारा था। आप हारे थे, ये सब एडिट हो जाएगा। आपने मान लिया था उस व्लॉग में, ठीक है, यू एक्सेप्टेड दैट यू स्केर्ड ऑफ गोइंग आउट एंड व्लॉगिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल, बट इट्स ओके। मैं धीरे धीरे आपका सारा, ये जो आप डरते हो ना, ये मुझे आपका हौसला खोलना है, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू डू इट। इतना एनकरेजिंग जो मोमेंट है ना, ये सब एडिट कर दूंगा मैं, ठीक है। जरा कराते हैं इसकी पनिशमेंट पूरी। ये तो समझे थे कि भूल गई हूँ मैं, तो नहीं करने पड़ेंगे पुशअप, जो कि करना ही नहीं चाहते हैं। चलो पुशअप्स करो, पुशअप्स करो, करो क्या करो? पुशअप्स मैं कर रहा। अपनी शर्त आ रहे थे ना, चलो। कौन सी शर्त आ रहा हूँ मैं? अच्छा आप हारे नहीं थे? झूठ बोल रहे हो। पुशअप बोला था ना आपने, मैं दोस्त पुशअप करके दिखाऊंगा। पुशअप होते हैं जमीन ठंडी है, ठंड में ठंडी होगी। मैं बोला था कि गर्मी आने से करते तो क्या ना, ये पैरी सब ठंडी है। जल्दी करो जल्दी करो, नौटंकी नहीं मांगता कुछ नहीं हुआ कमर से। बहुत ज्यादा ड्रामा हो रहा है अभी, नीचे बैठो जल्दी, अपना पुशअप करो जल्दी, चलो जल्दी। एक ढंग से करो अमन। कितने करने हैं? 10 बोले थे आपने, ठीक है ढंग से होने चाहिए। हाँ ए मैं गिनूंगी ढंग से कर। क्या गिनेगी? पुशअप। मेरा फेस दिखना चाहिए। हाँ दिख रहा है, चलो जल्दी करो, ठीक है। तो एक में ही फैल गया। रुक जा रुक जा, ये वार्म अप था मेरा। एक दूसरे में लग गया नीचे। बस्ती नहीं है ना, बस ये सब एडिट हो जाएगा, ये सब डालूंगा मैं वीडियो में, सब एडिट नहीं होगा। अमन ठंड लग जाएगी ऐसे मत ले लो। एग्जैक्टली सी तभी कहता हूं अपने ऊर्जा ना, जल्दी से पुशअप कर। पुशअप दो गए, एक हुआ, दो गए। तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। नहीं वो तो तुम कर ही लोगे। सो जैसा कि मेरी शर्त थी, ये हार गया है सिर्फ 3 नहीं करे उसने, आपने देखा ना नहीं करे। अब आप बताओ उसकी पनिशमेंट क्या होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताओ क्या पनिशमेंट देनी है हम लोगों को मिलके। इसकी आप लोग मेरा साथ दे रहे हो ना, तो जल्दी से बताओ अब इसको पनिशमेंट क्या देनी है। जनता मेरे साथ है भाई, कम्प्लीट कर नहीं पाए अपनी शर्ट और पुशअप्स मार नहीं पाए। सो आज का ब्लॉग हम इनकी ये वाली पनिशमेंट तो कंप्लीट नहीं हुई, पर ऐसे हम अपना ब्लॉग कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। और आज का ब्लॉग हम यहीं तक रखते हैं अभी। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आते रहे जब भी हम लोग नए वीडियो अपलोड करते हैं। सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन होता है आप उस पर क्लिक करिए, ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिए, ठीक है। जब भी वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन आएगा। वीडियो देखिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। बाय बाय बाय।